तो लेने के बजाय यहाँ देने के लिए आऊंगा। उल्टा इनके दौर में पिछले 5 साल से अगर आप देखें तो जम्मू के, और मैं जम्मू क्षेत्र की बात कर रहा हूं, उन इलाकों में जिनको हमने मिलिटेंसी से पूरी तरह से आजाद किया था, नए सिरे से आज मिलिटेंसी देखने को मिल रही है। चाहे वो चिनाब की वादी हो, चाहे पीर पंचाल हो, चाहे उधमपुर हो, रियासी हो, जम्मू हो, कठुआ हो, सांबा हो, मुझे एक भी जिला बताइए जहां आजकल हमले नहीं हो रहे, जहां पे हमारे बहादुर फौजियों को निशाना नहीं बनाया जा रहा है। बजाय ये कि मिलिटेंसी बढ़ेगी, मुझे अफसोस इस बात का है कि हमें इनके करतूतों का जो है खमियाजा भुगतना पड़ेगा, इनकी लापरवाही को हमें दुरुस्त करना पड़ेगा, इन इलाकों को दोबारा मिलिटेंसी से हमें आजाद करना पड़ेगा। और जैसे हमने 2014 तक इन इलाकों को मिलिटेंसी से आजाद किया था, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ हमारी हुकूमत आई तो हम दोबारा जम्मू के पूरे क्षेत्र को मिलिटेंसी से मुक्त कर देंगे। आप लोगों ने एक दिन मेहनत करनी है, 18 सितंबर को यहां वोट डालने का दिन है। मैं आपको ये भी कहूं, इससे पहले सजाद किचलू साहब ने आपकी नुमाइंदगी की है, आपके लिए काम किया है, इनके वालिद साहब हमारे इतने सीनियर लीडर मरहूम बशीर अहमद किचलू साहब, मैं आपको ये बताऊं, आप इस इलेक्शन में चुनेंगे तो एक एमएलए, लेकिन आपको मिलेंगे दो, क्योंकि सजाद भी आपकी खिदमत करेगा। और पूजा ने तो अपनी काबिलियत का सबूत टीडीसी चेयरमैन के तौर पर दिखा ही दिया। जो काम इन्होंने एज डीडीसी चेयरमैन शुरू किए हैं वो एज एमएलए, और अगर भगवान ने चाहा तो और भी इनके हाथ मजबूत होंगे दूसरे तरीकों से ये और आपकी खिदमत करेंगी। हुकूमत 8 अक्टूबर के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की ही होगी। बॉर्डर के लोगों ने तय करना है आपको हुकूमत में एमएलए चाहिए या ऑपोजिशन में एमएलए चाहिए। अगर आपको हुकूमत में एमएलए चाहिए तो उसके लिए आपको अलायंस के उम्मीदवार हमारी बहन पूजा ठाकुर साहिबा को यहां से कामयाब करके भेजना है, ताकि हम आपके साथ किए हुए वादे उनको पहले दिन से हम पूरा करना शुरू करेंगे। इस उम्मीद के साथ अब लगातार 2 बार मैं आपसे मांगने के लिए यहां आया हूं। मैं चाहता हूं कि जब अगली बार आऊंगा तो लेने के बजाय यहां देने के लिए आऊंगा।